है इसके बारे में, कुछ नहीं करना, एक ही तरीका है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, एक ही तरीका है अपने पास। तो जितना ज्यादा अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं करिए, जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, वो करिए। ठीक है, मियर अटेम्प्टिंग ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट इनफ, अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज करना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अटेम्प्ट करने के बाद उन्हें एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दोनों चीजें। चलो जी, बाकी अगर आवाज ठीक आ रही है, सब ठीक आ रहा है, तो प्लीज एक थम्स अप हमें दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखो, हमने पार्लियामेंट शुरू करा हुआ है, ठीक है जी। तो जो हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा पार्ट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्री में। ठीक है, तो हमने वकेटिंग तक हमने कर लिया था पीछे, है ना, इन केस ऑफ वकेशन क्या होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो स्पीकर है ना, उनका इलेक्शन और टेन्योर क्या रहता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्पीकर, पहले तो स्पीकर होता कौन है ना, बहुत ही आराम से सुनना है और आराम से इसको समझना है। ही इज, ही और शी जो भी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है इलेक्शन में, याद करो, जो कि पूरे हाउस का कहीं ना कहीं इंचार्ज है, जो प्रिसाइड कर रहा है। ठीक है, और आज हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, अभी आज ही की खबर है कि लोकसभा में बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। ठीक है, तो वहां पे अब जो पावर किसके पास है, अब आपको ना एक क्वेश्चन आ सकता है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पुलिस तो उठा के लेके जाएगी, पुलिस तो कार्रवाई करेगी, क्या जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो उस जिसने ब्रीच करी है सिक्योरिटी, ये कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, बताइए कमेंट्स में। क्या स्पीकर साहब कुछ कार्रवाई कर सकते हैं जो बाहर की ऑडियंस है, एनीबडी इन द कमेंट्स बताइए। आज की बात कर रहे हैं, आज क्या हुआ है, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट में, और वही हम डिस्कस भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट ही हम कर रहे हैं। सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर इन दैट, बताइए दोस्तों एनीबडी इन द कमेंट्स, कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ना पार्लियामेंट में, पुलिस तो उठा के लेके गई, पुलिस तो वेरियस वेरियस लॉज के अंडर करेगी उन्हें जो करना है पुलिस को, बट ये बताओ दोस्तों कि क्या स्पीकर साहब जो हैं, जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, क्या उनका कोई रोल है, क्या वो कुछ कर सकते हैं इस चीज के लिए कि नहीं कर सकते, क्या लग रहा है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, करिए कमेंट्स करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर समझिए। बिल्कुल, स्पीकर साहब डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पीकर साहब क्या कर सकते हैं, आपने सुना होगा कंसेप्ट कंटेम्प्ट ऑफ प्रिविलेज, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का सुना होगा आपने, सॉरी, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, दो अलग अलग कंसेप्ट है। तो उन कंसेप्ट के अंडर स्पीकर के पास पावर है कि अगर कोई इंट्रूजन कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है हाउस में, चाहे वो हाउस का मेंबर नहीं भी है, तो भी उनको पनिश किया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो करंट इवेंट से रिलेट करके देखेंगे। चलो जी, स्पीकर की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एंड टेन्योर कैसे इलेक्ट होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, चलो, अब नई नई लोकसभा इलेक्ट हुई है, तो क्या होगा, जब नई नई लोकसभा होगी तो क्या होगा, स्पीकर प्रोटेम, ठीक है जी, स्पीकर प्रोटेम होगा। उसके बाद अगर उन्होंने ऑफिस वकेट करना है, कैसे वकेट होगा, अगर वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं है, अगर वो रिजाइन, वाइस प्रेसिडेंट को लिख के देते हैं, वैसे स्पीकर भी किसको रिजाइन कर रहे हैं, डिप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, उसके बाद अगर उनको नहीं पसंद आ रहा है, लोगों को जो मेंबर्स हैं, कि ये स्पीकर साहब गलत है यार, तो क्या हो सकता है, 14 डेज एडवांस नोटिस दो, मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, निकाल दो स्पीकर को। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकाला जा सकता है। चलो जी, उसके बाद रोल,
चलो जी, कुछ कन्वेंशन हैं जो इन्हें पावर ऑफ द रूल्स जो प्रोविजन होगी वो भी चीज को यही कर रहे हैं डिटरमाइन। ठीक है दोस्तों, चलो उसके बाद एडजर्न कर सकते मतलब इक्वालिटी ऑफ वोट, तो क्या करेंगे कास्टिंग वोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओनली कास्टिंग वोट करेंगे। उसके बाद होती है ड्यू टू अ डेडलॉक, तो कौन प्रेसाइड करेगा उसको, स्पीकर, वो नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर, वो नहीं है तो वाइस चेयरमैन। ठीक है जी, ये लॉ कहता है। उसके बाद सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस की बहुत ही सीक्रेट मुद्दा डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा एग्जाम्पल सुनो, आज ब्रीच हुआ है लोकसभा में, अगर लोकसभा में आज ब्रीच हो गया है तो ये ओपन में थोड़ी डिस्कस करेंगे ऑल पार्टी मीटिंग्स में, तो सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस अगर हो रही है तो ये बिठा सकते हैं, मतलब एयर नहीं होगा। उसके बाद अब मनी बिल है कि नहीं, उसके क्या पावर्स है मनी बिल होने की, ठीक है वो दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटरमिन करना कि ये मनी बिल है कि नहीं। कौन डिटरमिन कर रहे हैं, हमारे स्पीकर साहब। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक एमपी है महुआ मित्रा, ठीक है जी, महुआ मित्रा जी टीएमसी की एमपी हैं, इन्हें एक्सपेल करा गया, ठीक है एक्सपेल करा गया कुछ ग्राउंड्स पे, तो वो भी यही है, किसने करा, स्पीकर ने करा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, और जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है लोकसभा की उसका चेयरमैन होता है, जब भी वो किसी कमेटी में बैठ जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। दूसरी चीज, अगर वो नहीं खुद जा सकते तो क्या करेंगे, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। दीज आर द पावर्स ऑफ स्पीकर। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलिए इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, चलो इंडिपेंडेंस कैसे है, उनको क्या दिया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कैसे रिमूव कैसे करा जा सकता है उन्हें, रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, उसका हाफ प्लस टू थर्ड्स, ठीक है, टू थर्ड्स ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द मेंबर्स जो कि टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद वो क्या है, मेंटेनिंग द ऑर्डर, वो आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है, वो कोर्ट वगैरह में डिस्कस नहीं हो सकती। उसके बाद पहले इंस्टेंस में नहीं वोट कर सकते, ओनली कास्टिंग वोट, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बहुत बड़ी इनकी पोजीशन है, कितना है, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपने प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इनसे ऊपर है, सेवंथ रैंक है इनका। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत ऊपर इनका प्रेसिडेंस है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं डिप्यूटी स्पीकर की, तो करा जाता है, ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, इलेक्शन कब होगा बताइए, जब स्पीकर का हो चुका होगा उसके बाद, और इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। ओके चलो जी, जो डिप्यूटी स्पीकर है ना वो सबॉर्डिनेट टू स्पीकर किसी भी हालत में नहीं है, ही इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर। जब वो बैठे हैं नॉर्मल एमपी की तरह बैठेंगे, लेकिन जब वो प्रिसाइड करेंगे हाउस को एज अ स्पीकर, तो उनके पास स्पीकर की ही पावर्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, उसके बाद अब क्या लिखा है कि देखो जी, ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर जो है, जब भी वो फॉल्स वेकेंट होता है तो लोकसभा क्या करती है, इलेक्ट करती है अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। ठीक है जी, तो हम इसकी बात करेंगे। अब स्पीकर क्या आ गया है, अभी हमने बात करी स्पीकर प्रोटेम, अभी अभी हमने बताया था कि स्पीकर प्रोटेम स्टार्टिंग में होता है। ठीक है जी, कौन है सीनियर मोस्ट जो मेंबर ऑफ द हाउस है, जो ऐसा सीनियर मोस्ट मेंबर है ऑफ द हाउस का,
जिसको फॉर एग्जाम्पल हम क्या बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि नई नई लोकसभा आई है और किसी को भी स्पीकर इलेक्ट नहीं करा गया, तो सीनियर मोस्ट है उसको स्पीकर बना देंगे, बोलेंगे भाई सबको ओथ्स दिलवाओ आप, ठीक है जी। उसके बाद इनको ओथ दिलवाएंगे कौन, प्रेसिडेंट साहब, और बाकियों को ये ओथ दिलवाएंगे, ठीक है जी, यही इनका रोल है। चलो जी आगे बात करते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अभी हमने करा था ना वाइस प्रेसिडेंट में, तो वो सब देखो इंटरलिंक्ड होगा यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट साहब ही इज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सॉरी वेरी सॉरी, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एक्स, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है लोकसभा के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या लिखा है, जब भी वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट तो वो ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेंगे, देखो जी ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी, ये बस बात जानने वाली है। उसके बाद रिमूव करा जा सकता है ओनली इफ इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि चेयरमैन को नहीं आपको हटाना, आपको इम्पीच करना है वाइस प्रेसिडेंट को, और द मोमेंट यू हैव इम्पीच द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द चेयरमैन इज ऑटोमेटिकली गॉन, ठीक है दोस्तों, तो यही बात हो रही है। उसके बाद जो ये स्पीकर जो हैं उनके पास स्पेशल पावर्स हैं जो चेयरमैन के पास नहीं है, पहली बात क्या है, मनी बिल की। अब देखो मनी बिल जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे, इसका कोई भी लेना देना नहीं है राज्यसभा से, और क्योंकि इसका कोई भी लेना देना नहीं है राज्यसभा से, तो भाई जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनका क्या लेना देना कि भाई मनी बिल है कि नहीं, उनके तो ऑर्डिनरी बिल्स ही जाने हैं सारे। उसके बाद जो ज्वाइंट सेटिंग है, ना ये समन कर सकते हैं ना इस पे प्रिसाइड कर सकते हैं, मेंबर है, मेंबर अगर हैं तो बैठ जाओ, ठीक है, अगर वाइस सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है तो मेंबर भी नहीं हो सकते, क्या लग रहा है अब बताओ, अगर ये वाइस प्रेसिडेंट हैं फिर तो ये मेंबर भी नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनके पास था क्या, जहां तो प्रिसाइड कर दो या कॉल कर दो, तो अब ये ना ही प्रिसाइड कर सकते हैं ना ही इसको कॉल ऑन कर सकते हैं ना ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जी आगे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चीज जैसे ही उनको इलेक्ट कराया था, देखो यहाँ पे सब चीजें सेम है, सेम एज द डिप्यूटी स्पीकर, जो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस के लिए हम बात करते थे वो सब चीजें यहाँ पे सेम है, ठीक है जी, डिप्यूटी स्पीकर वाली। चलो जी दोस्तों कोई भी फर्क नहीं है, चलो जी आगे चलें, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, चलिए जी लीडर ऑफ द हाउस कौन है, क्या राज्यसभा में और लोकसभा में सेम लीडर ऑफ द हाउस होगा, क्या लग रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जगह से इलेक्ट हुए हैं, वाराणसी से इलेक्ट होते हैं और वो लोकसभा के मेंबर हैं, तो क्या उन्हीं को हम लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में बोलेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए जरा बताइए, क्या अगर एक पर्सन लोकसभा से मेंबर है क्या, और वो प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या उन्हीं को हम लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में बोलेंगे कि अलग होगा, अलग होगा, कैसे होगा, तो यहीं पे बात बोली गई है। देखो जी जो लीडर ऑफ द हाउस है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मेजोरिटी पार्टी के लीडर, वो लोकसभा में होंगे लीडर ऑफ द हाउस, लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा, उनको एक पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा जो कि राज्यसभा में फंक्शन करेंगे एज द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए, करंटली हु इज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, दोस्तों बताइए, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द करंट लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, बताइए कौन है जी राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, चलो मैं नहीं बताऊंगा, खुद से देखो कमेंट्स में बताना प्लीज, अगर वीडियो देख लोगे उसके बाद भी जो कमेंट्स हैं वीडियोस में उसमें बताना कि हु इज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा करंटली। उसके बाद चलो जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है, देखो जी जिसको पार्टी को एटलीस्ट 1/10 सीट्स मिल रही हैं, ठीक है जी, उस पार्टी का जो लीडर है जो 1/10 मिल रही है लेकिन मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, उनको क्या कहेंगे, उनको हम कह देंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है जी, बहुत बड़ा दर्जा होता है इनका, आगे जब बॉडीज करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अब विप का इंस्टीट्यूशन क्या है, विप कौन है, हाउस ऑफ कार्ड्स एक अमेरिकन सीरीज है बड़ी फेमस, देखी है किसी ने, एनीबडी हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है किसी ने, तो चलो दोस्तों हाउस ऑफ कार्ड्स जो है उसमें जो लीड एक्टर हैं वो सबसे स्टार्टिंग में विप होते हैं, ठीक है, वो जो लीड एक्टर हैं वो सबसे स्टार्टिंग में क्या होते हैं, ही इज अ विप, हाँ जी सो सॉरी, चलिए दोस्तों, हाँ जी
वो क्या होते हैं, एक विप होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आप इस चीज को समझेंगे विप होता क्या। विप का ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो कहीं भी ना इंडिया में ऐसे मेंशन नहीं है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर या फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस कहीं में भी मेंशन नहीं है। तो होता गया है, विप एक ऐसा ऑफिस है, पॉलिटिकल ऑफिस है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना एक विप रखती है, ठीक है दोस्तों। तो जो पॉलिटिकल पार्टी ने विप रखा हुआ है ना, वो क्या काम करेगा, उसने समन करना है सब मेंबर्स को उस पार्टी के कि अगर वोटिंग हो रही है तो आप यहां वोट डालना है, येस और नो, ओके। अगर एक मुद्दा है, कोई एक मुद्दा है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन है, अभी रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसका मुद्दा बहुत चल रहा है, उस मुद्दे पे क्या बात करनी है, ठीक है, कैसे बात करनी है, क्या बात हो सकती है, वो सब चीजें कौन बताएंगे, कहां पता करेंगे, विप बताएगा। और विप की बात मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, असिस्टेंट फ्लोर लीडर भी कहा जाता है इसको। अगर उसने कहा कि भाई आज सेशन में पहुंचना है, अटेंडेंस देनी है, तो देनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो क्या हो सकता है, विप की बात ना मानने के लिए पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। और अगर पार्टी से ही निलंबित हो गए तो स्पीकर क्या करेगा, आपको मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट से भी निलंबित कर दिया जाएगा, वहां से भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो दैट इज द थिंग। चलो जी, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में आ गए हैं। देखो जी, सेशन ऑफ पार्लियामेंट सबसे पहले क्या लिखा है, समन करना। समन कर रहे हैं ईच ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को कि भाई मिलो आप, ठीक है, मिलिए आप। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। और कितना गैप होना चाहिए सेशंस में, तो कॉन्स्टिट्यूशन पता है क्या कह रहा है कि 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशंस ऑफ द हाउस कुड बी ओनली 6 मंथ्स, और वो कह रहे हैं मतलब एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर तो मिलना ही मिलना है। कितने सेशंस है नॉर्मली, बजट होता है, मॉनसून सेशन है हमारे पास, और हमारे पास विंटर सेशन है। नॉर्मली ये 3 सेशंस हमारे पास होते हैं, तो इनकी बात करेंगे, ठीक है जी। चलो चलो जी, एडजर्नमेंट क्या होती है, आपने बहुत बार सुना होगा जब हल्ला ज्यादा पड़ने लग जाता है लोकसभा में, या फिर ऐसी कोई चीज है जैसे, हाँ चलो फिर से वो सिक्योरिटी ब्रीच का मेरे को दृश्य याद आ गया, जैसे कि जैसे वो एक लड़का था वो चढ़ गया, जंप्स मार रहा है उनकी डेस्क पे खड़ा होके, तो स्पीकर साहब ने क्या बोला, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, द हाउस इज एडजर्न्ड, कि कार्रवाई को स्थगित करा जाता है, द हाउस इज एडजर्न्ड टिल 2 PM। फिर जब 2 PM तक कुछ नहीं हुआ, नहीं बैठा हाउस, तो क्या बोला गया, द हाउस इज एडजर्न्ड फर्दर टिल 4 PM। तो आप टाइम बता रहे हो, एडजर्नमेंट बता रहे हो, साथ टाइम बता रहे हो, वो है एडजर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बोला ही नहीं कि 4 PM है, आपने बोल दिया द हाउस इज एडजर्न्ड साइन डाय, मतलब ना हमें टाइम पता है कब हाउस मिलेगा, ना आपको टाइम पता है कब हाउस मिलेगा, जब दिल हुआ बता देंगे तब हाउस मिलेगा, ठीक है जी, और बता दिया जाएगा, ठीक है जी। ये किसके पास पावर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। देखो जी, प्रोरोग करना होता है, एक तो हो गया सेशन एडजर्न करना। सेशन एडजर्न का मतलब है, चलो जी अभी सेशन चल रहा है, सेशन में जो एक कार्रवाई है, ठीक है, एक दिन की कार्रवाई है, वो नहीं हो रही, एडजर्न कर दिया गया या कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया। प्रोरोग करने का मतलब है कि सेशन खत्म हो गया, प्ररोग करने का मतलब कि द फुल सेशन इज कंप्लीटेड, द फुल सेशन इज फुल एंड फाइनल, खत्म। तो ये कौन करेगा, देखो ध्यान से क्या लिखा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एडजर्न साइंड है, लेकिन प्रेसिडेंट इशू करता है नोटिफिकेशन कि देखो जी हाउस तो प्ररोग हो गया है। जी स्पीकर नहीं करता, स्पीकर एडजर्न करेगा, एडजर्नमेंट साइंड करेगा, लेकिन प्ररोग कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है जी। ये बात है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन तो क्या हो गया, यहाँ सेशन की बात नहीं, कुछ नहीं, डिसोल्यूशन का मतलब पूरा हाउस ही खत्म हो गया, कोई मेंबर ही नहीं बचा जी पार्लियामेंट का, ठीक है, सब मेंबर्स का टर्म ओवर हो चुका है, ठीक है जी। तो यही बात है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, क्या राज्यसभा भी डिसोल्यूशन होती है, क्या राज्यसभा में डिसोल्यूशन होती है, बताइए, नहीं होती, क्यों, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ओनली लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बात हो रही है। उसके बाद अब देखो कि जब तक अगले जनरल इलेक्शंस नहीं होते तब तक फिर से हाउस आएगा ही नहीं, जब तक फिर से हाउस नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है, कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 2 चीजें और है, डिसोल्यूशन जो होती है टेक प्लेस कैसे हो सकती है, पहला क्या लिखा है, देखो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन,
ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन की, 5 साल का टर्म खत्म हो गया उसके बाद कर दो। उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि हाउस को डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यों, अरे भाई आपके पास मेजोरिटी नहीं है ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी किसी कारणों से डेथ हो जाती है या फिर और कोई चीज है ठीक है। चलो जी अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, पोजिशन ऑफ बिल्स, जो बिल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बिल है यहाँ पे ना, बस आपको दो चीजें ख्याल में रखनी है यहाँ पे, हम बात क्या कर रहे हैं कि जो बिल्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन हो गई हाउस की, हाउस की डिसोल्यूशन होगी मतलब कि खत्म, लोकसभा खत्म होगी। अब इस केस में एक बिल का क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो बिल क्या है, अगर तो वो बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, देखो यहां ना इन्होंने बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताए हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, एक चीज बस ध्यान से रख लो, फर्स्ट इज इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ठीक है जी, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, दूसरा लोकसभा पास्ड ठीक है जी, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस है और लोकसभा में पास्ड है, सिर्फ ये बिल्स रहते हैं, इनके अलावा कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो हर टाइम बिल लैप्स होगा, इनको याद रखो ये 5-6 पॉइंट्स और जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, ये होगा तो ये नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा, कुछ मत याद रखो, सिर्फ इन चीजों को याद रख लो। सिंपल लॉजिक इसका मैं तुम्हें बताऊं, सिंपल लॉजिक, लोकसभा ने जब खुद के हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, लोकसभा ने अपने हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस कराया, जब वो इंट्रोडक्शन हो रही थी अभी उस पर बहस ही हो रही थी कि डिसोल्यूशन होगी, खत्म होगी लोकसभा का टर्म खत्म हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, वो बिल खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म हो गया बिल, लेकिन अगर उन्होंने पास करके कहां भेज दिया है, राज्यसभा में, अब राज्यसभा में चर्चा हो रही है, लोकसभा से तो पास हो गया ना, तो भाई फिर नहीं वो लैप्स होगा ठीक है, वो फिर लैप्स नहीं होगा, क्या लिखा है, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स, मतलब क्या है इसका, और समझो कि इंट्रोड्यूस ही हमने राज्यसभा में कर दिया ठीक है जी, तो ये चीज थोड़ी समझनी है ठीक है जी। और देखो कौन कौन से लैप्स नहीं हो रहे हैं, पास्ड बाय बोथ द हाउस ठीक है जी, तो ये समझो बात ठीक है इस चीज को, तो प्लीज देखो, तो अब यहां पे ना एक चीज देखो, एक बड़ी कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट करी है, आपने सिर्फ इन दोनों चीजों को देखना है, लोकसभा में देखो पास होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर लोकसभा में बिल पास हो जाता है बट पेंडिंग राज्यसभा है तो वो लैप्स हो जाएगा ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैंने हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ और बोलना था ठीक है, तो यहाँ पे बस एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है। हाँ ये वाली चीज ठीक है कि अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लॉजिक इसका यही है और कुछ नहीं है जो मैंने आपको बताया, देखो जी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राज्यसभा में अगर इंट्रोडक्शन हो रही है ना कोई भी दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो कहीं नहीं जाएगा बिल ठीक है। दूसरा अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, अगर दोनों हाउसेज ही पास कर चुके हैं फिर क्या हो जाएगा, असेंट, उसके बाद बोथ हाउसेज ने पास करा है बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन तो भी पास नहीं होगा, तो इस चीज को याद रखना है ओके जी। चलो तो ये भी देखना है, अब नॉट पास बाय बोथ हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट और जो प्रेसिडेंट कहता है जॉइंट सिटिंग हो जाए तो क्या होगा, बिल लैप्स नहीं होगा ठीक है, सिंपल बात, तो इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है दोस्तों। तो बस अब यही देखो, अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स हो जाएगा, बस इतना याद रखो, और अगर लोकसभा ने पास कर दिया है आगे चले गया है तो भी वो लैप्स हो जाएगा, उसको याद रखो ठीक है दोस्तों। तो बस अब हम यही बात करेंगे ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों है ना, आगे बात करते हैं। चलो अब कोरम क्या होता है, कोरम मैंने बता दिया 1/10 होता है, 1/10 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज योर कोरम। चलो जी आगे बात करते हैं, वोटिंग इन द हाउस, वोटिंग इन द हाउस कैसे होती है, देखो जी ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ आइदर और जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस कैसे होंगे, मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, कोई भी मुद्दा है आपका अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे मोशंस क्या होते हैं, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, तो वो सब चीजें हम क्या होएगी, वो सब चीजें यहीं पे बात होएगी ठीक है जी। एक मोशन क्या है, एक रेजोल्यूशन क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम वो बात करेंगे। चलो उसके बाद
कुछ ऐसे मैटर्स हैं, फ्यू मैटर्स हैं, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, नहीं तो हमें सिंपल मेजोरिटी से काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल मेजोरिटी से काम चल ही रहा है। चलो जी, अब लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो देखो जी, लैंग्वेज कौन सी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा स्पेसिफिक लिखा हुआ था इंग्लिश। ठीक है जी, इंग्लिश लैंग्वेज चला करेगी, बट अब क्या हो गया, हिंदी को भी ऐड कर दिया गया। तो अब हम जाते हैं, ये वाली एक्ट है, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने कह दिया कि इंग्लिश को चलते रहने दो, इसको खत्म नहीं करना। तो आपको पता होगा ना स्टोरी, इनिशियली क्या बात हुई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़े 15 साल चलने देंगे, फिर बंद कर देंगे, लेकिन वो चलती गई, उसकी हैबिट बन गई। तो अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, उसने कह दिया कि नहीं भाई, चाहे 15 साल हो जाएं, जितने मर्जी साल हो जाएं, अब इसको हम चलने देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो दोस्तों, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ये बात आ रही है। तो देखो, राइट्स ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल क्या है। मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, अब एक मिनिस्टर साहब हैं, जैसे हमारे एस जयशंकर साहब का एग्जांपल लेते हैं, एस जयशंकर, ये जो एस जयशंकर साहब हैं, ये राज्यसभा से एमपी हैं, चुन के आए हैं। ठीक है, लोकसभा से एमपी नहीं है, लेकिन क्या ये लोकसभा में कभी आपने इनको बोलते नहीं देखा, बताइए, क्या आपने कभी इन्हें लोकसभा में बोलते हुए नहीं देखा। चलो सेकेंड एग्जाम्पल, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, क्या उन्हें आपने कभी लोकसभा में बोलते हुए नहीं देखा। सो आप इस चीज को ध्यान से जरा समझिए कि डिस्पाइट, अगर कोई मिनिस्टर है, डज नॉट मैटर कि वो कौन से हाउस से इलेक्ट है, उसके पास हक है दोनों हाउस में बातें करने का। ठीक है दोस्तों, उनके पास राइट है कि वो कहीं भी बातचीत कर सकते हैं दोस्तों, ये उनका हक है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके चलो, तो अब एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो, कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज बताइए, कोई भी अगर डाउट है तो बताइए प्लीज। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए एनीथिंग। अटॉर्नी जनरल को भी सेम राइट्स हैं, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को भी सेम राइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, चलो दोस्तों, ठीक है परफेक्ट, आगे चलते हैं। देखो जी, किसकी बात हो रही है, लेम डक सेशन। लेम डक सेशन, देखो, लेम डक सेशन एक ऐसा सेशन है जो एग्जिस्टिंग लोकसभा, फॉर एग्जाम्पल, जब क्या कर रही है, लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा है, आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। कई बार ऐसा होता है, एक सेशन लग जाता है, उसी के बीच में इलेक्शन हो रहा है और वो हार गए, तो लास्ट वाला सेशन चल रहा है, पता है कुछ फायदा तो है नहीं है, दूसरी लोकसभा इलेक्ट हुई है, लास्ट वाले को लेम डक सेशन कह देते हैं। ठीक है जी, तो क्रिकेट से ये लिया गया है कि भाई क्रिकेट में जैसे कहते हैं डक पे आउट हो गया, जीरो पे आउट हो गया, तो वही चीज। चलो अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री डिवाइसेस क्या हैं। अब ये ना मेंस में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिवाइसेस अवेलेबल टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। क्या लिखा आता है, देखो जी, एग्जीक्यूटिव है, अगर उसको अकाउंटेबल ठहराना है, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराना है, तो कौन कौन से डिवाइसेज है आपके पास। तो वो ये सब जो डिवाइसेज है ना, हम इन्हीं की बात करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आवर नेम ही डिपिक्ट कर रहा है, क्या करोगे, अरे भाई सवाल पूछेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आवर में क्या होगा, फर्स्ट आवर, सबसे पहला आवर है, उसमें क्या होगा, वो रखा है क्वेश्चन आवर कि भाई आराम से बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में बातचीत करो, वो आपका क्वेश्चन आवर। फिर अब तीन तरह के सवाल पूछ सकते हो क्वेश्चन आवर में, स्टार्ड, अनस्टार्ड, या फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टार्ड वाले जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है, उनका ओरल आंसर देना है। तो अगर जिस चीज को बोल के बताना है, जिसका ओरल आंसर देना है, वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी ना, रादर देन के लिख के देना, है ना दोस्तों। तो बस ये जो ओरल आंसर है ना, इसके साथ तभी जल्दी भी हो जाता है, और साथ के साथ मैं दूसरा सवाल भी पूछ सकता हूँ, आई कैन आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑल्सो, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन अनस्टार्ड क्वेश्चंस। क्यों, अनस्टार्ड तो लिख के देना अपने रिटन आंसर्स हैं, इसलिए अरे भाई सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस हैं, कैसे उनको फॉलो करोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात करेंगे। उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है, जिसके लिए कम से कम 10 डेज का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, हाँ जी, पूछना तो आपको ओरली ही है। ठीक है जी, ओरली पूछना है, लेकिन विद
10 days नोटिस। चलो जी, अब क्या है इनको ना ये चीज देखनी है, या सॉरी ये आ सकती है। अब बोल रहे हैं कि जो स्टार्ड क्वेश्चंस है ना, इनको कुछ रंग बिरंगे कोड्स दिए हैं ताकि पता लग जाए। जो स्टार्ड है उनको व्हाइट, उनको ग्रीन कोड दिया हुआ है, अनस्टार्ड को हमने व्हाइट कोड दिया है, शॉर्ट नोटिस को हमने लाइट पिंक का कोड दिया है, और जो क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स हैं उसको येलो कलर कोडिंग करी हुई है। इससे आइडेंटिफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चले आगे चले। 0R क्या होता है? अब देखो 0R को ये नहीं समझना कि वहां से स्टार्ट होता है, बच्चे ज्यादातर वहीं से कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आर, 1 घंटे का, उसके बाद कार्रवाई शुरू होनी है, सेशन शुरू होना है, उसके बीच में जो टाइम है उसको हम कहेंगे 0 आवर, उसके बीच में जो टाइम है। ठीक है, तो 0R क्या है? 0R पहली बात तो मेंशन ही नहीं है इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। उसके बाद इनफॉर्मल डिवाइस है जिसमें आप क्या कर सकते हो, रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, और लास्ट अंटिल जो रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस है जब तक वो शुरू नहीं होता। अब सोचो, एक वो होता नहीं था हमारे जब हम स्कूल में जाते थे कि देखो जी ये तो जीरो पीरियड है, मतलब स्कूल शुरू होने से पहले एक ऐसा पीरियड है, जीरो पीरियड दे दिया गया कि उसमें आप इधर उधर के काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई टीचर से कोई काम है, कुछ पूछना है, और मेरे ऐसे तो निकम्मे लोग क्या करते थे, होमवर्क करने बैठ जाते थे वहां पे, तो वो क्या है, जीरो पीरियड। ठीक है, उसको यूटिलाइज करना है प्रॉपर। उसके बाद ये याद रखना है कि ये एक इंडियन इनोवेशन है, कि भाई वो जो होता नहीं कि वेले वेले बैठे हैं, करना है क्या काम, शुरू करो अंताक्षरी लिखे प्रभु का नाम, वो यही है कि भाई फ्री तो बैठे हैं, क्या करना है, अरे भाई यही कर लेते हैं, सवाल जवाब भी कर लेते हैं। तो दिस वॉज द सिनेरियो। ठीक है दोस्तों, चलो जी, अब मोशंस क्या होते हैं देखो, बहुत ध्यान से समझना है कि कभी भी पार्लियामेंट में बिना किसी मोशन के ना कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, एवरीथिंग इन द पार्लियामेंट और फॉर दैट मैटर एनी असेंबली हैपेंस ऑन अ मोशन। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कभी कि स्पीकर साहब क्या करते हैं, ओबिचुरीज, कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उनको श्रद्धांजलि भेंट करी जाती है। वो जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो कैसे है, वो भी मोशन पास होता है। ठीक है, फिर हर चीज का मोशन पास होगा, उसके बिना कुछ होता ही नहीं है पार्लियामेंट में। तो उनकी हमने कैटेगरीज बना दी कुछ ना कुछ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या मोशन है, देखो जी सब्सटेंटिव मोशन। ये क्या है, सब्सटेंटिव का मतलब क्या है, बड़ा ही सब्सटेंस है उस चीज में, कोई प्रोसीजरल बात नहीं हो रही, सब्सटेंस है, ठोस है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे है। जैसे प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट करनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उठाना है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सब्सटेंटिव मोशन। अब सब्सटीट्यूट कौन सा मोशन है, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है, किसी की जगह, सब्सटीट्यूट का मतलब यही होता है ना, किसी की जगह। तो ये कह रहे हैं जो ओरिजिनल मोशन है उसको नहीं, उसकी जगह अगर आ रहे हो, एक ऑल्टरनेटिव मोशन को प्रपोज कर रहे हो, और जो वो अडॉप्ट हो चुका है इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन, वो क्या है आपका, सब्सटीट्यूट मोशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारी यहाँ पे ये बात हो रही है। चलो जी, अब आता है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या है, ये ऐसा मोशन है, सब्सिडरी मतलब नीचे, सब्सिडरी का मतलब ये होता है ना कि इट इज अ सब्सिडरी ऑफ द पेरेंट कंपनी, मतलब अरे खुद से कोई मीनिंग नहीं है, जो मीनिंग है ना, जो एक्चुअल मोशन है उसका मीनिंग है, ये तो उसके कंटेक्स्ट में, उसकी रेफरेंस में हमने एक मोशन रखा गया है। ठीक है जी, तो वो क्या हो जाता है, सब्सिडरी मोशन। अब इनकी 3 सब कैटेगरीज और है, एंसिलरी मोशन जो कि क्या कहता है, रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स करो विद वेरियस काइंड, सुपरसीडिंग मोशन क्या कहता है, कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू, अमेंडमेंट क्या कहता है कि मॉडिफाई या फिर सब्स्टिट्यूट करना है ओनली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। ये तीनों कहाँ से रिलेट हो रहे हैं, इससे रिलेट हो रहे हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्या करा है कि बस अलग अलग सी टर्म्स दे दी हैं जिस आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इस कंफ्यूजन को हमने थोड़ा सा अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना। ठीक है, तो क्या है, अरे भाई सब्सिडरी, सब्सिडरी क्या होती है, पेरेंट कंपनी के नीचे, मतलब क्या होगा, किसी की रेफरेंस में होगा, और उसके आगे आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, दैट इज इट। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता होता, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। हाँ एचसीएस में पूछ लिया तो थोड़ी अलग बात है, बट एचसीएस पूछ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं फिर से। क्लोजर मोशन क्या होता है, समझिए इसको, क्लोजर मोशन क्या है। सबसे पहले देखो, एक डिबेट चल रही है, ठीक है जी, एक डिबेट चल रही है,
और ऐसा लग रहा है कि देखो जी कुछ ना मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, बात नहीं बन रही, कोई और मुद्दा छेड़ो, तो ये जो मोशन है ना जिसको हम क्या कहते हैं क्लोजर मोशन, उसको पास करा जाता है। ये जो क्लोजर मोशन है कि भाई डिबेट को कट शॉर्ट करो और क्या करो उसके बाद जो डिबेट है उसको स्टॉप कर दो और सीधा उसको वोट पे डाल दो, कोई बिल है कोई कुछ है वो पास हो रहा है उसको सीधा वोटिंग पे डालो यार, इतनी डिस्कशन मतलब एनफ नहीं है। किसके काम का मोशन है ये बताओ, ये मोशन किसके काम का है? क्या ऑपोजिशन पार्टी इसको यूज ज्यादा करेगी या रूलिंग पार्टी यूज करेगी? बताइए जरा कमेंट्स में, क्या इसको रूलिंग पार्टी, जो क्लोजर मोशन है जो मैंने आपको समझाया अभी, क्या इसको रूलिंग पार्टी ज्यादा तवज्जो देगी या फिर ऑपोजिशन पार्टी? क्या लग रहा है बताइए, क्या लग रहा है? एनीथिंग एनीथिंग बता सकते हैं? चलो जी, तो ऑपोजिशन तो क्यों ही करेगी, ऑपोजिशन को तो जितना ज्यादा डिबेट हो उतना मजा आएगा, उतना ज्यादा काम रुकवाएंगे, उतना ज्यादा उनको ज्यादा फुटेज मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या, ये जो है ना क्लोजर मोशन, ये जो है रूलिंग पार्टी जिसने बिल टेबल करा है उसके लिए जरूरी है कि भाई बहुत हो गई डिस्कशन, अभी चलो वोटिंग पे डालो इसको, ठीक है। चलो जी, उसके बाद अब चार तरह के क्लोजर हैं। पहला है सिंपल क्लोजर कि देखो जी सफिशियंटली डिस्कस हो चुका है बिल, बहुत डिस्कस हो गया, अभी छोड़ो अब इसको डाल दो। उसके बाद क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बिल को पार्ट्स में बांट दिया गया, बिल को पार्ट्स में बांट दिया और उन पार्ट्स को वोटिंग करवा ली, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, अब जो डिबेट है इट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड एंटायर पार्ट इज पुट टू द वोट, छोटे छोटे पार्ट्स में करके फिर बड़े पार्ट में इकट्ठा डाल दिया। कैंगरू क्या है, कैंगरू का मतलब, अब कैंगरू क्या करता है, जंप मारता है, जंप मारता है कैंगरू। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जंप मार मार के सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पकड़ रहा है और कुछ नहीं पकड़ रहा, वो है कैंगरू क्लोजर, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो रही है। फिर आ जाता है गुलिटीन। गुलिटीन क्या होता है पता है आपको, पुराने जमाने में जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टाइम जो सजा देते थे ना, वो नहीं देखा आपने कि ऐसे सर रख दिया और ऊपर सर के ऊपर से ऐसे कुछ गिर रहा है और सर कट जाता है आपका, दैट इज गुलिटीन। तो गुलिटीन का यहाँ पे मतलब हो गया, देखो जी अगर अनडिस्कस नहीं भी हुआ ना फिर भी काट दिए जाएंगे सबके साथ, निकलो, ठीक है, नहीं भी डिस्कस हुआ कोई चक्कर नहीं। तो ये बात है, ये कुछ तरह के क्लोजर थे। चलो जी, अब हम बात करते हैं प्रिविलेज मोशन की। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये किससे कंसर्न करता है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अभी मैंने आपको बात करी थी ना कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ये दो चीजें बड़ी अक्सर यूज होती हैं। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हम कैसे कह सकते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, आप केस याद करो, भगवंत मान साहब को कुछ देर के लिए एक्सपेल कर दिया गया था, उससे पहले उसके बाद अभी रिसेंटली राघव चड्ढा को भी थोड़ी देर के लिए एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, देर आर सम प्रिविलेजेस दैट शुड नॉट बी ब्रीच, ठीक है। तो वो जो चीजें है ना, उस जो चीजें आप रियल एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, आप कुछ गलत बोल रहे हो पार्लियामेंट में जिसका कोई फैक्ट नहीं है, जो आप प्रूव नहीं कर सकते, किसी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो, वो हर चीजें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही बात है, यहाँ पे ये चीज समझनी है कि क्यों यूज हो सकता है, किसके लिए यूज होता है, कोई और कोई करंट एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। तो चलो, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या, बड़ा ही ईजी है, कुछ नहीं है, एक मिनिस्टर जो है उनका एक मैटर पे ध्यान लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे कि जैसे अश्विनी उपाध्याय जी है ना, अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी जी हैं जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, जब रिसेंटली क्या हुआ बिहार के पास एक रेलवे दुर्घटना होती है, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात की गई कि देखो जी आपका उस मुद्दे पे हमें विचार चाहिए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन की, ये सिर्फ मिनिस्टर ध्यान रखना है कि मिनिस्टर का ध्यान आपने वहां पे लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो ये बात आ रही है, अगला देखते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ये चलो थोड़ी अब खतरनाक चीज आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो जी अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और 50 मेंबर्स कह रहे हैं कि वो अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और सबका ध्यान हमें वहां पे लेके जाना है, नॉर्मल बिजनेस अबरप्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो गवर्नमेंट है एलिमेंट ऑफ सेंश्योर है उसका, और क्या हो जाता है उस पर डिस्कशन होनी शुरू हो जाएगी एडजर्नमेंट मोशन से, कि भाई आप जो कोई बिल डिस्कस कर रहे हो, कोई भी डिस्कस कर रहे हो, दैट इज इररिलेवेंट राइट नाउ, कोई महत्ता नहीं है इसकी, मत डिस्कस करो, जो ऑपोजिशन कह रही है, जो हम कह रहे हैं आप वो डिस्कस करोगे, ठीक है जी। वो कौन सा मोशन है, देखिए कौन सा, एडजर्नमेंट मोशन की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो एडजर्नमेंट मोशन ये कहता है। अब सेंश्योर का मतलब क्या है,
बहुत बार आपने देखा होगा सेंश्योर मोशन भी होता है, अभी पढ़ेंगे आगे जाके। तो सेंश्योर का मतलब क्या है? ठीक है, जब आप कभी जब आईएएस बनोगे, ठीक है, सर्विस में जाओगे, तो सर्विस लॉ में जब आप रूल्स पढ़ोगे, सर्विस रूल्स पढ़ोगे, उसमें भी सेंश्योर की पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, सिविल सर्वेंट को भी सेंश्योर की पेनल्टी दी जाती है। सो व्हाट इज दिस पेनल्टी ऑफ सेंश्योर? सेंश्योर का मतलब कुछ नहीं है, सेंश्योर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई वी हैव नोटिफाइड, वी हैव नोटेड दैट आपने ये गलती करी है, दैट इज सेंश्योर। कोई इसकी इम्प्लीकेशन नहीं है। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि सेंश्योर करना, आपने कोई गलती कर दी, पापा मम्मा कहते हैं हाँ भाई हमें पता लग गया, और वो थोड़ा सुनाएंगे, थोड़ी बात करेंगे, रिश्तेदारों को बता देंगे, यार इससे तो ऐसे करता है, ये तो खाना नहीं खाता, घिया तोरी कद्दू नहीं खाता, वो सब क्या, वो सेंश्योर में आता है। कोई एक्शन नहीं लिया गया, कर दोबारा भी सकते हो, नहीं खाना घिया तोरी कद्दू नहीं खाओगे, दोबारा भी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक पब्लिक शैमिंग टाइप जो हो गया, एक जो पता लग गया कि इन्होंने गलती करी है, तो वो सेंश्योर होता है। ठीक है जी, तो दैट इज सेंश्योर। तो अब देखो जी, सेंश्योर किसको करोगे? सेंश्योर उसको करोगे ना जिसको निकाला जा सके हाउस से, एमपी को, राज्यसभा जो खुद ही क्या है, एक परमानेंट डिवाइस है, तो आप सेंश्योर मोशन, सॉरी, आप अजर्नमेंट मोशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करेंगे। चलो जी आगे देखते हैं, अजर्नमेंट मोशन की ही बात हो रही है, देखो कब होता है। हाँ, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, चलो जी, इट शुड रेज अ मैटर विच इज डेफिनाइट, फैक्चुअल, अर्जेंट और एंड ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऐसे किसी मुद्दे पे नहीं कि अच्छा यार वहां तो, फॉर एग्जाम्पल, जो एक इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं तो करके क्या करो जी, आप कर दो इस चीज को, कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा कुछ डेफिनेट मुद्दा होना चाहिए, जैसे अभी सिक्योरिटी ब्रीच है हुआ पार्लियामेंट में, तो वो एक डेफिनेट फैक्चुअल मुद्दा है कि भाई उस पर बात करो। उसके बाद गवर्नमेंट, इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, ऐसा नहीं है भाई लड़ी ही ले आओ मैटर्स की, नहीं, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। एक मैटर होना चाहिए स्पेसिफिक, उसी पे ही डिबेट होगी। ठीक है, चलो, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस। अब आज सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, आप बोलो कि मैं 2 सेशंस बाद डिस्कस करूंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो रिसेंट अकरेंस। उसके बाद शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। अभी क्या बताया, प्रिविलेज क्या है, कि आप आपस में कुछ मेंबर्स पे अटैक कर रहे हो, वो नहीं। अब यहाँ पे तो लिख दिया हमने पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे प्रिविलेज, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो मैं प्रिविलेज की बात कर रहा हूँ वो पब्लिक की प्रिविलेज नहीं है, वो मेंबर हाउस की प्रिविलेज है। ठीक है, तो हाउस की जो प्रिविलेज होती है, जहां पे वो चीज आ गई, तो इट इज ऑटोमेटिकली इंप्लाइड, ऑटोमेटिकली इंप्लाइड की जो बाकी सब चीजें हैं उनकी बात नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर इनफ? क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। भाई पहले डिस्कस हो चुका है, क्यों टाइम वेस्ट करना? और ऐसे किसी मैटर से नहीं डील करना जो कि अंडर एडजुडिकेशन बाय कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सुना होगा कि 370 पे डिबेट नहीं हो रही, 370 पे डिबेट नहीं हो रही, अरे वो मैटर था ही कोर्ट में, तो कैसे उसको डिस्कस करेंगे? ठीक है जी, उसके बाद एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज इन अ डिस्टिंक्ट मोशन, अगर नॉर्मली कहीं दूसरे मोशन में कर सकते हो आप डिस्कस, तो ये एडजर्न क्यों करना है आपको? ठीक है, ऐसी सिर्फ पावर दिखानी है, तो ये बात है। चलो जी, अब हम बात करते हैं, दो मोशन हैं, एक सेंश्योर मोशन है और नो कॉन्फिडेंस, इनमें फर्क क्या है? सेंश्योर मैंने बता दिया, सेंश्योर सिर्फ एक पब्लिक शैमिंग की तरह समझ लो, वो है कि हाँ भाई तुमने करा है, हमने बता दिया गलती करी है। नो कॉन्फिडेंस हैज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो समझिए इसको, सबसे पहले क्या लिखा है सेंश्योर, क्या कह रहा है वो? कह रहा है ऐसे रीजंस बताने पड़ेंगे, इट शुड स्टेट द रीजंस कि क्यों इसको अडॉप्ट करा जा रहा है, इसमें रीजंस की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर की भी आप प्रॉब्लम पब्लिक शेमिंग कर सकते हो, ग्रुप की भी या एंटायर काउंसिल की भी। यहाँ पे क्या है, ओनली लिखा है, ध्यान से समझो, ओनली अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओनली अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सेंश्योरिंग द काउंसिल फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस, कि भाई आपका ये स्पेसिफिक एक्शन है वो गलत है, आपका एक स्पेसिफिक एक्शन है वो सही नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेंश्योरिंग यू, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, और ऐसा नहीं होता है इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वहां तो आप पूरी सरकार के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो कि देखो जी क्या पता आपके पास मेजोरिटी ही नहीं है। ठीक है जी, और आपने जहां तो कोई ऐसा काम कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पिछले लोकसभा में देखो कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो ऑपोजिशन सरकार है उन्होंने पास करवाया था, पास इन द सेंस सिर्फ एडमिट कराया था, पास नहीं हुआ था, तो वो कैसे हुआ था? वो अगर वो
हो जाता पास, अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता तो क्या होता, रिजाइन करना पड़ता। लेकिन दे हैव द नंबर्स, दे विल नॉट रिजाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करनी है। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करें, आगे डिस्कस करते हैं। देखो जी, इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। यही सबसे बड़ी बात है जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या रिजाइन करना पड़ेगा ऑफिस से? अरे नहीं करना पड़ेगा ऑफिस से, कोई जरूरत नहीं है सेंश्योर में। लेकिन हाँ, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है आपके खिलाफ तो जरूर आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपके पास मेजोरिटी ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हमारे यहाँ पे हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए एनी डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट है यहाँ तक बता सकते हैं। ठीक है जी बताइए। ठीक है ओके, चलें आगे। तो थोड़े से रह गए हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन। देखो जी नाम ही बता रहा है कि आधे घंटे के लिए डिस्कशन करनी है, कोई जरूरी मैटर आ गया है, सफिशियंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, अर्जेंट नहीं है। ठीक है सफिशियंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो आधे घंटे का टाइम दे दो भाई। ठीक है जी चलो जी। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, देखो जी 2 घंटे। ठीक है जी, जो 2 घंटे के अंदर अंदर डिस्कशन करनी है, आधे घंटे से ऊपर लेकिन 2 घंटे से नीचे ऐसी डिस्कशन करनी है, कुछ मैटर आ गया है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तब ये वाला मोशन पास कराया जाता है और द हाउस वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है दोस्तों, तो बस अलग अलग तरह की डिशेस यहाँ पे आपको सर्व होती है पार्लियामेंट में, एंड दीज आर ऑल द डिशेस। चलो जी, स्पेशल मेंशन क्या है, जहाँ पे क्या है, मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैनॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन, कहीं भी जो रेज नहीं हो रहा है उसको स्पेशल मेंशन में रेज करो। जहां आपको लग रहा है भाई कि तो कुछ हो ही नहीं पाया तो भाई ठीक है, अब वहां पे कर लो। ओके दोस्तों, तो चलो जी, अब नोटिस अंडर रूल 377 जो है, ये सेम चीज लोकसभा में होती है, जो स्पेशल मेंशन है उसको राज्यसभा में कहा जाता है, लोकसभा में हम उसको ये कह देते हैं नोटिस अंडर आर्टिकल 377। ठीक है दोस्तों, तो रूल 377। चलो जी, उसके बाद रेजोल्यूशन। चलो जी, मोशन और रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? मोशन और रेजोल्यूशन में यही फर्क है, मेन फर्क, एक सबसे बड़ा फर्क, जो रेजोल्यूशंस है ना, रेजोल्यूशंस आर पार्ट ऑफ अ मोशन, रेजोल्यूशंस एक सबसेट है मोशंस का। मोशंस तो बहुत बड़ी चीज है, मोशन अगर देखो, अगर ये मोशन है तो ये रेजोल्यूशन होगा, अगर ये मोशन है तो ये रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, एक पार्ट ऑफ द मोशन इज द रेजोल्यूशन, और एवरी रेजोल्यूशन इज अ मोशन, बट एवरी मोशन इज नॉट अ रेजोल्यूशन। इतनी सी बात समझनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जी, रेजोल्यूशन क्या हो रहा है देखते हैं। रेजोल्यूशन दे सकते हैं मेंबर्स किसके, अटेंशन ड्रॉ करना है ऑफ द हाउस, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली रेलिवेंट और विद इन द स्कोप ऑफ द रेजोल्यूशन। उसके बाद क्या है, लीव ऑफ द हाउस। लीव का मतलब ना लॉ में परमिशन होता है, इसको याद रखना। आपने कभी कोर्ट कभी गए हो तो सुना होगा कि आई डिमांड द लीव ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ऐसे बोला जाता है। तो लीव का मतलब ये नहीं कि हम जा रहे हैं बाय बाय, नहीं, लीव का मतलब परमिशन ऑफ द कोर्ट। चलो जी, अब रेजोल्यूशंस क्या हैं, 3 कैटेगरीज में डाले गए हैं। देखो जी, प्राइवेट का रेजोल्यूशन है, उसके बाद गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है, और स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन है। प्राइवेट मेंबर्स तो पता ही है, देखो मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर है वो प्राइवेट मेंबर है। अब देखो, क्वेश्चन एक बार आया था कि जिसमें ये पूछा गया था, क्या रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को प्राइवेट मेंबर कहा जा सकता है? लिसन टू मी अगेन, क्या रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को, क्या रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को प्राइवेट मेंबर्स कहा जा सकता है? तो आंसर क्या है, यस। इसका आंसर था यस, कहा जा सकता है, और यही आंसर था दोस्तों। तो इसको जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। उसका गवर्नमेंट रेजोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वो वाला रेजोल्यूशन है जो कि एक मिनिस्टर मूव कर रहे हैं। ओके, स्टेट्यूटरी कौन सा रेजोल्यूशन है, आइदर बाय प्राइवेट मेंबर, आइदर बाय अ मिनिस्टर, बट इट इज ऑलवेज द टेबल इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो ऐसा कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है, वो स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें। उसके बाद अब ये डिफरेंट फ्रॉम मोशन है, वही जो मैंने अभी लाइन कही वो यहाँ पे लिखी गई है, ऑल मोशन नीड नॉट नेसेसरली बी सब्सटेंटिव। ठीक है, तो ये क्या है, रेजोल्यूशन जो सारे हैं वो सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सब्सटेंटिव कौन सा था याद करो, अभी आधे घंटे पहले आई थिंक करा होगा हमने, क्या था सब्सटेंटिव मोशन? सब्सटेंटिव मोशन थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, उनको डिस्कस करते हैं, वो होते हैं सब्सटेंटिव मोशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, अब हम आ गए हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट में। तो पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां तक जितना हमने करा ठीक है, बताओ, इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे,
अभी टाइम हो गया तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे बिल्स में। अभी सिर्फ इतना बता दो, क्या लग रहा है? ठीक है, एवरीथिंग इज ओके? बताइए दोस्तों, कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट यू हैव टिल नाउ? कोई रेजोल्यूशन नहीं समझ आया, कुछ आपको बाकी चीज़ें नहीं समझ आई, क्या लग रहा है? डू थिंक इट इज़ फाइन? तो देखो ना, अब यहाँ पे बस एक बात समझ लो, पार्लियामेंट इतना बड़ा चैप्टर है, इतना टाइम लग रहा है पार्लियामेंट को, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पार्लियामेंट से ही आते हैं। जस्ट एक मेयर यू नो रेजोल्यूशन, जस्ट एक मेयर मोशन, इनका फर्क समझने में भी आपको क्वेश्चंस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अब आपने क्या करना है, जो आपका होमवर्क है, जो आपने घर में बात करनी है, घर में समझना है एक चीज को, वो सिर्फ एक चीज को समझना है कि टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है दोस्तों, तो निम्बस IAS की HCS टेस्ट सीरीज भी है, HCS की टेस्ट सीरीज। ठीक है, अभी HCS की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च करी है, तो वो टेस्ट सीरीज अरे बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है जी, उसके बाद आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको क्या लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? अरे बिल्कुल करो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर हमारे चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे हमने आपके लिए बहुत से वीडियोस बना रखी हैं, जहां पे किसकी बात हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करते हुए ही अपनी तैयारी की समझ आएगी कि भाई मैं तैयारी कर कहाँ रहा हूँ या कर कहाँ रही हूँ। उनके बिना तैयारी आप नहीं कर सकते। इन विच डायरेक्शन यू हैव टू मूव, यू हैव टू सी दैट। ठीक है दोस्तों, अब कितने करने हैं? बच्चों ने कल सवाल पूछा, सर कितने टेस्ट करने चाहिए? अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 100 टेस्ट भी कर लोगे तो भी सो सो है, एनफ नहीं है। तो रोज का कम से कम एक टेस्ट तो करो ही करो, अभी से शुरू कर दो कि भाई रोज का एक टेस्ट तो मैंने करना ही करना। और जब आप रोज का एक टेस्ट करना शुरू कर दोगे ना, आपका माइंड ही यूज टू हो जाएगा। आप बुक्स जो पढ़ोगे ना, पॉलिटी की कोई कोई भी किताब पढ़ोगे, उसमें को पता लगेगा कि हाँ यार ये चीज से क्वेश्चन आ सकता है, मैं इस तरह पढ़ूं, ये चीज से क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं इसको छोड़ दूं, यू'ल गेट टू नो। तो फिर आपको ये एनालिसिस की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मैं तभी कह रहा हूं कि इसी ही तरह से आप तैयारी करनी है, और इस ही तरह से आपको इस पेपर में आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे लायक कोई भी सेवा हो, निम्बस इंस्टीट्यूट के लायक कोई भी सेवा हो, हमें प्लीज आप कॉमेंट्स में लिख के बताइए। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके नोट्स हैं, वो निम्बस IAS अकेडमी की वेबसाइट पे, सॉरी निम्बस IAS अकेडमी की ऐप पे अपलोड कर दिए गए हैं, प्लीज वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अनलेस देयर इज नो अदर क्वेरी और कमेंट्स या क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पे विश्राम देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर अभी भी कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पार्लियामेंट कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में पार्लियामेंट खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों।